नारियल के, तोरा नारियल देख के नहीं लावे। चलिए हमने गाजर के हलवा आज बना रहे हैं, कढ़ाई चढ़ाए हैं, हमारे कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें घी डालते हैं। हमने कस कर दिए हैं इसको अच्छी तरह से, घी हमारा ये हो गया, इसमें गाजर को डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको चला दे रहे हैं, अच्छी तरह से भूज लेंगे घी में। हमारे गाजर को अच्छी तरह भूज दिए, देखिए कलर आ गया। अब इसमें दूध डालते हैं, आधा केजी दूध है हमारा, इसमें डालते हैं अच्छी तरह से गाजर, इसमें पकाएंगे दूध में। ये हम अपने आधे लीटर दूध डाल दिए, अब इसमें दूध में पकाएंगे 10 मिनट, इसको अच्छी तरह पका लेंगे दूध में गाजर को। अच्छी तरह गाजर हमारे भूंज गए, दूध में पका दिए इसको अच्छी तरह। अब इसमें चीनी डालते हैं, चीनी डालने के बाद अच्छी तरह मिला दीजिए। लीजिए हमारे चीनी भी डाल दिए, अच्छी तरह मिल गया चीनी। अभी इसके साथ जो हमारा कटा मेवा है सारे डाल रहे हैं, ये नारियल है, ये छुआड़ा है, किशमिश है, ये बादाम है। अच्छी तरह अच्छी तरह मिला दे इसको, मिला दे खूब अच्छी तरह से। इसी तरह 5 मिनट इसको पका दीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारे गाजर का हलवा तैयार हुआ कि नहीं। अच्छी तरह ये हो गया, इसको अच्छी तरह से फिर से भूंज देते हैं, मेवा डाले हैं तो, और घी डाल देते हैं, घी डाल के अच्छी तरह से भून देते हैं। अच्छी तरह इसको भून दीजिए, फिर जितना पानी सूख जाएगा उतना ही बहुत अच्छा लगता है। चलिए हमारे बन के गाजर के हलवा तैयार हो गया, अब इसको निकाल देते हैं, अच्छी तरह से निकाल कर प्लेट में सजा देते हैं। हमने सजा देते हैं इससे, अपने फ्रूट से, मेवा से। लीजिए अच्छी तरह से हम सजा दिए, अब इसको परोस दीजिए। हमारा टेस्टी हलवा बन के तैयार है। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।